बिहार ब्लॉक में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती जो है वो यहाँ पे निकाली गई है। जी हाँ, 1 लाख भर्तियां जो है बिहार ब्लॉक में निकाली गई है। ब्लॉक के सभी अलग अलग पद के सभी अलग अलग जिलों में ये भर्तियां जो है वो भरी जाएगी। उसमें देखिए कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, तो 10वीं या 12वीं पास को सरकारी नौकरी मिलेगी। यानी अगर आप 10वीं या 12वीं पास है तो आप अपने जिले के ब्लॉक में आप आवेदन कर सकेंगे। कुल बिहार की टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो 1 लाख भर्ती है। कैसे आवेदन करना है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी देखिएगा कि क्या एज है, कितना सैलरी मिलेगा, कैसे आपको आवेदन करना है, इसका लास्ट डेट क्या है, तो सारी जानकारी यहां पे दी जा रही है। कब से आपको ये फॉर्म जो है अप्लाई करना है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दे, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे की जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट पहले देख लीजिए, ठीक है, कि कैसे आपको आवेदन करना है, बिना स्किप किए देखिएगा ताकि सही सही तरीके से आप फॉर्म भर सके, क्योंकि एक गलत तरीका से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई परीक्षा जो है वो नहीं ली जाएगी। इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, सिर्फ मार्क्स बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप सही से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो जबरदस्त तरीके से आपका इस बार पक्की सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि 1 लाख भर्तियां निकाली गई है पूरे बिहार में, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है, और सभी जिले में आपकी ये भर्तियां के तहत जो है वो आवेदन आपको देना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, तो बिहार ब्लॉक में करीब 1 लाख पदों पे ये भर्तियां जो है वो निकाली गई है, ठीक है, जिसमें 10वीं या 12वीं पास अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर पाएंगे, और इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। सभी जिलों में मार्क्स स्तर पे भर्ती ली जाएगी, यानी आपके 10वीं या 12वीं में कितने मार्क्स हैं उस मार्क्स पे आपको आवेदन करना होगा। पुरुष या महिला दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप देखिएगा आगे की प्रक्रिया है, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या एज है, सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ जानेंगे, कैसे फॉर्म भरकर कहां जमा करना है जो है। अगर 10वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देंगे एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन कर सकता है, ठीक है, या तो वो 10वीं पास पे करेगा या 12वीं पास पे करेगा, ठीक है। एक अभ्यर्थी एक से ज्यादा आवेदन यहां पे नहीं कर सकता, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिंक पे भी जाकर देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को समझ लीजिए, जानकारी को समझ लीजिए, उसके बाद आप लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, तो फॉर्म आपका सीधे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। आप देखिए यहां पे साफ साफ है कि ब्लॉक में जो है जबरदस्त भर्ती की बौछार होने जा रही है। 1 लाख भर्ती जो है वो यहां पर निकाली गई है, और देखिए सबसे पहले आपको अपडेट दे रहे हैं, 12 फरवरी का लेटेस्ट अपडेट जो है वो यहां पे जारी किया गया है, ठीक है। क्या आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो ब्लॉक वैकेंसी जबरदस्त जो है वो यहां पे निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन आप सभी छात्र कर सकते हैं, आवेदन जारी है, पुरुष है या महिला है, यानी लड़का लड़की सभी आवेदन कर सकते हैं अगर वो 10वीं या 12वीं पास है तो, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। आप देखिए ये जो भर्तियां निकाली जाती है, इसमें आपको बता दें कि इसमें ब्लॉक स्तर पर सभी पोस्ट शामिल हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लॉक जब आप जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि अलग अलग पोस्ट जो है वो होता है, ठीक है। पहले कुछ दिनों तक जो है वो आपकी ये संविदा पे भर्तियां निकाली जाती थी, लेकिन जो है अब जो है इसको फिक्स कर दिया गया है, परमानेंट कर दिया गया है, और मार्क्स बेसिस सिलेक्शन है, जिस जिले में आप आवेदन करेंगे उस जिले में आपकी पोस्टिंग जो है हो जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे इसमें भर्ती की प्रक्रिया जो है वो यहां पर कैसे है, ठीक है। लगातार कई सालों से छात्रों का इंतजार था कि यह भर्ती की प्रक्रिया कब ली जाएगी, और कुछ दिन पहले जो है टीचर की वैकेंसी निकाली गई थी, 1 लाख से ज्यादा टीचर को नियुक्ति पत्र दिया गया था, ठीक है। तो उसमें जो है हाई लेवल का आपका एजुकेशन था, लेकिन इसमें सिर्फ 10वीं या 12वीं पास करके बिहार के वैसे बेरोजगार छात्र और छात्राएं जिनको अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है, तो उनके लिए यह विज्ञापन जो है वो यहां पर जारी होने जा रहा है, जिसके आप लाखों छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे। 1 लाख अगर भर्ती है तो सोच सकते हैं कि बहुत अच्छी संख्या में फॉर्म जो है आवेदन किए जाएंगे, तो आपके पास जबरदस्त मौका है इसके लिए आवेदन करने का, ठीक है। अब देखिए कि कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बोला तो गया है कि आपका यह 12 फरवरी का अपडेट है कि
सभी छात्र जो है वो अपने जिले के अनुसार जो है वो आपकी रिक्ति निकाली गई है और उसमें छात्र जो है वो आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि आवेदन करने के लिए आपको करना क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना एज होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो क्योंकि ये आपका मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन है, किसी तरह का कोई ज्यादा चीज लिया नहीं जा रहा, एग्जाम लिया नहीं जा रहा है, मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन है, तो आपको सिर्फ टेंथ पास या ट्वेल्थ पास का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बड़ी चीज, अगर जो ट्वेल्थ पास रिजल्ट नहीं निकला है तो वो टेंथ पास पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि मार्कशीट आपको लगेगा तो ट्वेल्थ का भी मार्कशीट आया नहीं है। ठीक है, अभी तो एग्जाम ही हुआ है, जो इस साल एग्जाम दिए उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप टेंथ पे भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है वो आपकी 25,000 रुपए की सैलरी जो है वो आपको स्टार्टिंग में आपको दी जाएगी। ठीक है, अगर आप 16 प्लस हैं, ठीक है, 16 एज प्लस से आपका 16 साल से अधिक उम्र है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देंगे आधार कार्ड में आपकी उम्र जो है 16 साल से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, उसमें आपकी उम्र 16 साल से अधिक होनी चाहिए, यानी 16 आपका पूर जाना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आपको यहां पे कुछ नहीं मांगा गया है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दें कि और क्या क्या आपको चाहिए, तो आप जो है बिहार के निवासी होने चाहिए, यानी कि बिहार के बाहर के लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, अस्थाई निवासी बिहार के होने चाहिए। तो यह सबसे बड़ा फायदा है कि बिहार के बाहर के लोग आवेदन नहीं करेंगे तो आपको बिहार के लोगों को ही इसमें सरकारी नौकरी मिलेगी। तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावे जाति प्रमाण पत्र, आप जिस जाति के हैं, ठीक है, कोई SC है, कोई ST है, जिसका फायदा लेना चाहता है, OBC है, ठीक है, या EWS है, तो ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, तो वो भी वहां पे आपको उसका जीरोक्स आपको जमा करना होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये भर्ती जो है वो कब से आवेदन करना है। ठीक है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वो भी यहाँ पे पहले देख लीजिए, उसके बाद लिंक पे क्लिक करके भी आप खुद से देख पाए। इसके लिए पहले से आपको तैयार हो जाना है कि आप 10वीं पास पे आवेदन करेंगे या जो है 12वीं पास पे आवेदन करेंगे, क्योंकि अगर दो पद पे आवेदन करता है तो कोई एक पद ही वो शामिल हो पाता और एक पद जो है वो खाली रह जाता है। इसी वजह से ये नियम निकाला गया है कि कोई भी अभ्यर्थी जो है केवल एक पोस्ट के लिए ही आवेदन करेगा, इससे जो 10वीं पास छात्र हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 12वीं पास जो है वो 10वीं पास पे भी आवेदन कर देते हैं और 12वीं पास पे भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे नुकसान हो जाता था, इसीलिए बिहार सरकार ने ये नियम लाया है कि एक व्यक्ति एक पद के लिए ही आवेदन करेगा। ठीक है, इस भर्ती के अनुसंधान नई सरकार के गठन होने के तुरंत पश्चात किया गया है। ठीक है, कि 1,00,000 पद जो है वो आपका बिहार ब्लॉक में खाली है, जिसे बिहार सरकार जो है जल्द यहां पे भरने जा रही है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। भर्ती की प्रक्रिया जो है इसी महीने में शुरू की जाएगी, यानी कि फरवरी महीने में ही आपकी भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी और फरवरी महीने में आपका भर्ती निकाला जाएगा और मई महीने में आपकी पूरा रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा कि किस जिले का क्या आपका मेरिट रहा है, मेरिट पे आपका मार्क्स, ठीक है, वहां पे दिया जाएगा और को जो है वो ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगे गए हैं मैंने बता दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे ग्रुप दिया गया है, ग्रुप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे का जो भी अपडेट होगा, क्योंकि फरवरी महीने में ही आपकी भर्ती जो है वो यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी, तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा। जैसे ही आपकी भर्ती का आवेदन शुरू हो जाएगा आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है गाइज, तो फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये भर्ती का नोटिस जो है वो निकाल दिया गया है और इसी महीने में आपकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो तैयार हो जाइए जबरदस्त एक बार फिर से ब्लॉक भर्ती बहाली के लिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।